ओ माय गॉड, कहीं रस्सी खुल गया तो। ओ माय गॉड भाई, ऐसे तो देहाती में इसको बोका कहा जाता है। हाँ जी, हंस रही है। खतरों खिलाड़ी से कम नहीं है ये, देखिए। ओ भाई साहब, टेंजिन रॉक क्लाइंब करने वाली है ये। मैं तो पहली बार ऐसा देख रहा हूँ गाइज, मैं कम्प्लीटली शॉक्ड हो गया हूँ ये सारी चीजें देख के। वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं अपने प्यारे से ब्लॉग में। तो दोपहर के बज रहे हैं 3। हाँ बेटा, हाँ। तो तितली की एक्साइटमेंट देख के आप लोग समझ गए होंगे कि हम लोग आ गए हैं जू की तरफ। रॉक गार्डन में बहुत मजा आया और आप पहुँचे हैं जू, जो यहाँ का जूलॉजिकल पार्क है, उसमें जाने वाले हम लोग। हालत थोड़ी खराब हो गई है तो हम लोग सोच रहे हैं कि पूरा घूम ले क्या जी तितली। और बहुत दिलों से ना मैं हमेशा से बोल रहा था कि तितली को लेके चलो, जू लेके चलो, जू लेके चलो पटना, क्योंकि नहीं जा रही थी। और फाइनली हम लोग सीधे दार्जिलिंग के जू में आ गए, समझ सकते हो आप लोग, है ना। वाओ, पिजन ही है ना बेटा, तो कबूतर भी देखने के लिए मिल रहा है। तो चलेंगे ऊपर हम लोग। वाह वाह, बहुत चढ़ाई करना पड़ा, गाड़ी वाला नीचे ही छोड़ दिया क्योंकि वन वे था। आ जा, दो इसको दो। तो गाइस, ये है जू का एंट्रेंस, यहाँ से आप लोग की एंट्रेंस शुरुआत होती है। एंड आगे के चल रहे बस, चलते चलते। ये है जू पदमजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। इससे पहले भी ऊपर आई हूँ और मुझे अपने घर हंस रही है। जैसे ये साउंड निकालती है टाइगर का, इतना सारा, फिर देख लीजिए टाइगर इधर बना हुआ है ना, आप देख देख के तितली के अंदर एक्साइटमेंट आ गया एकदम कि कहाँ आ गए। और मैं जब आई थी ना अपने कॉलेज टाइम पे, तो उस समय बहुत ज़्यादा ठंड था एंड मुझे थोड़ा सा ना ब्रीदिंग का प्रॉब्लम हो गया था कि थोड़ा सा हाइट पे है और मेरा एकदम चक्कर वक्कर आने लगा था। फिर मेरे को लेके टीचर लोग दो थे, वो लोग नीचे उतर गए क्योंकि इतना सा मेरे से नहीं हो पा रहा था। ताकि इस बार लगता है घूम लेंगे थोड़ा सा जू वगैरह। तो गाइस, जू में घुसते ही सबसे पहले हमें दिख गया है भालू। भालू बियर। तितली क्या है? अब्बा। अब्बा। तितली हमारे एकदम खुश हो गई, देख रही है भालू। वाह वाह। तितली खुश। हाँ तितली सा। वाह। तो ये रहा बियर। इतना बड़ा है यार। डियर्स, और ये डियर्स की एक अलग प्रजाति है जो हिल स्टेशन में ही पाई जाती है, ठंडे प्रदेश में। थार, हिमालयन थार है ये। हिमालयन थार है गाइस, वो देखो हिरन है छोटू छोटू। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे हैं बंदर। क्या बता, तो गाइस ये देखो शाम्बर डियर। नीलगाय जैसा लग रहा था भाई, ये सांबर डियर। तो गाइस यहाँ देखिए, ये है याक, और धीरे धीरे आप सबको भी दिखा रहा हूँ, अपने अपने बच्चों को जरूर दिखाओ ये ब्लॉग। याक अमूमन हिल स्टेशन में इस पर बैठ के लोग फोटो खिंचवाता है, तितली देख रही है पूरा एकदम। फोटो भी हमारी मनाली की। और धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, जल्दी जल्दी घूमने की कोशिश कर रहे हैं वरना ये बंद भी हो जाएगा। वाओ, ऐसे तो देहाती में इसको बोका कहा जाता है। हाँ जी, हंस रही है मेरी बातें में गाइस। ये बोका नहीं है, मैं मजाक कर रहा था, ये कोई है जानवर ही है, लेकिन बोका का बर्फ प्रजाति। और मुंटी बहुत शर्मा रही है क्योंकि इसका होने वाला दूल्हा ऐसा ही होगा। ये देखिए कितने करीब है मेरे हिरन। हेलो, डिस्टर्ब नहीं करते हैं, बहुत प्यारे प्यारे हैं इसमें। तितली को दिखाओ, क्या हुआ तितली को, क्या है बेटा? हिरन। भाई जी, इनकी हालत ख़राब हो गई है, बच्चा हो जाने के बाद ज़िंदगी झंड हो जाती है ना। मेरी साली को कैसे भाग रही है। आ जाओ आ जाओ। तो अब जिस चीज़ के लिए मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड था, वहाँ जाने वाले हम लोग, हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान, यानी हिमालय जो माउंटेनियरिंग जो इंस्टीट्यूट है उसमें हम लोग चल रहे हैं। चलो जी, आ जाओ आ जाओ। यहाँ टेम्परेचर भी बहुत
कम है जिसके कारण थोड़ा बहुत ठंडा लग रहा है, थोड़ा सा महसूस हो रहा है, और उधर गर्मी लग रहा था तो इसी कारण तबीयत भी ख़राब होती है। तो ये देख सकते हैं, वाह एक्सप्लोर। चलिए जल्दी से चलते हैं। गाइस ये है खूबसूरत सा दृश्य, माउंटेनिंग एडवेंचर फिल्म शो टिकट। ए कितना बजे शो है पूछो तो, कब चलेगा ये? तो गाइज हालांकि यहाँ पे रिकॉर्ड करना मना था, बट फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत ग्लिम्स दिखा रहा हूँ, क्योंकि बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड है फ़ोन अलाउ करना, यहाँ पे रिकॉर्डिंग करना, वीडियो फ़ोटो किसी भी चीज़ के लिए मना ही है। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, और ये यहाँ पे पूरे माउंटेंस के बारे में सब कुछ दिया गया है। तो मतलब सच बताऊँ ना तो ये मेरा ड्रीम था यहाँ पे आना, और यहाँ पे जितनी भी चीज़ें देख रहे हो ना, मैं एकदम छिपा के किसी तरह से वीडियो शूट कर रहा हूँ, बिल्कुल भी मतलब अलाउ नहीं था। पहले उन्होंने मना कर दिया था कि आपको नहीं दिखाना है। बहुत सारी नदियों के बारे में, माउंटेन्स के बारे में इतनी सारी जानकारियाँ थी। मैं तो कहूँगा कि आप जब भी यहाँ आते हैं ना, तो बहुत सारे लोग ना इस चीज़ को स्किप कर देते हैं, बट सच बताओ तो अपने बच्चे को लेके यहाँ पे जाएं, शायद वो बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, लर्न करेंगे, सीखेंगे। बहुत कुछ था यहाँ पे जो मैं अब आपको क्या ही बताऊँ, एक्सप्लेन नहीं कर सकता। बस किसी तरह थोड़ा बहुत मैंने शूट किया, वो मैं आपको ग्लिम्स दिखा रहा था। और ये वाला सबसे खूबसूरत लग रहा था कि कितना स्ट्रगल होता है जब एक माउंटेनियरिंग जो भी लोग होते हैं वो जाते हैं माउंटेंस पे या फिर एवरेस्ट पे जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें वहाँ से लेकर आई गई है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे म्यूजियम में लगी हुई थी एक तरह से। उस तरह का ड्रेस कोड होता है, बहुत सारी मेमोरीज़ जो है एवरेस्ट से रिलेटेड, और ये खूबसूरत नज़ारा है पूरे माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट का। तो गाइज अभी आधे घंटे के लिए फ़ोन बंद कर दिया था सच बताऊँ तो, बट फिर भी लास्ट में थोड़ा बहुत छिपा के मैंने शूट किया क्योंकि फ़ोन अलाउ नहीं था। हम लोग गए थे जो माउंटेन इंस्टीट्यूट है यहाँ पे, और ब्लूज बम्स कहते हैं ना गाइज, एकदम ब्लूज बम्स होने लगा था पूरा, इतना अच्छा लग रहा था। और बहुत सारी चीज़ें तो देख के कितना स्ट्रगल करते हैं लोग, और सच में भाई मतलब हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू जो इस तरह का काम करते हैं एडवेंचरस। एडवेंचरस तो छोड़ी दो भाई, क्या बाबू देख के एकदम। उसके बाद उसमें एक शॉर्ट फिल्म भी थी जो करीब करीब 20 से 25 मिनट की थी, उस फिल्म को भी हम लोगों ने देखा। और इट्स रियली यही दिल कहने का मन किया कि प्राउड टू बी इंडियन। बस भाई साहब ये हमेशा गर्व होगा इस चीज़ का कि हम लोग एक भारतीय हैं, और भारत में ऐसे ऐसे लोग हैं भी। तो मज़ा आ गया यहाँ पे आके अभी। और अभी हम लोग चल रहे हैं फिर से जू की तरफ, इसलिए हमारी सो गई है बेचारी। जू में आई थी, चलो फिर भी उठा कर टाइगर दिखा दिया जाएगा, अगर टाइगर दिखेगा तो देखते हैं क्या होता है। आप लोग बने रहिए। हाँ यार बड़ा सा एकदम से खतरनाक वाला है ना। चलो आप देखिए इसमें कितना बड़ा बन नजर आएगा सामने। बाप रे कितना बड़का पाया, उठते नहीं क्यों चीज से। आए 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 देखिए क्या टाइगर, कितनी हमारी सो गई है मौके पे, उठा देता लेकिन थक गई है यार। ये भी बहुत ज्यादा चली है, ऐसे भी हरासमेंट हो जाता है। माता जी इधर देख रही है बाघ को, और हमारी जो बिलाई है वो इसमें गई हुई है। कहाँ है बिलाई? बिलाई को यहीं छोड़ के चला जाएगा जू में। हम लोग तो इतना खुश हो गए, हमारी तितली उठ गई फाइनली। तो गाइस फाइनली करी मशक्कत के बाद टाइगर उठाए भाई। ये टाइगर फिर बैठ गया। ले भाई बहुत आलसी है ये। वो तो रेड पांडा चले तो ये भी वही यही आगे वही है, और उधर फिर पक्षी वाला है। मैं तो मुझे लग रहा है कि मेरी साली भी खतरनाक कम नहीं है, खतरों की लड़ी से कम नहीं है। ये देखिए वो भाई साहब तेंजिन रॉक क्लाइंब करने वाली है, ये हमारे घर की पहली पर्वतारोही। चलिए खानदान में पहली, खानदान में पहली
जी पर्वतरोही की बहन इधर आओ, ये जरा देखो अपनी बहन को। माउंट एवरेस्ट पे जाती है ये तुम्हारे लिए, माउंट एवरेस्ट से कम नहीं है। आई एम प्राउड ऑफ यू। झंडा करके आएंगे, झंडा करके आना, तुमको नेशनल फ्लैग लेके जाना चाहिए। अब ये हो जाएगी, अब तितली को जाना है। अनिशा आज कुछ तूफानी करने वाली है, आप कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। इधर देखिए फोटो भी खींच दे आपका, इधर देखो, चलो इधर देखो, इधर भी देखो। वाह भाई वाह, तुम मुंटी हमारी एकदम क्लाइम कर रही है। वाह शाबाश शाबाश जियो। अरे ये तो भाई एकदम इजीली क्लाइम कर गई, उम्मीद नहीं था। अरे 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 ओके, जी तो ऊपर चढ़ गई है एकदम पूरा। भाई देख सकते हो आप, जूम किया हूँ तब ये हाल है। ऐसे आप लोग देख लीजिए कितना ऊपर चढ़ी है ये, बहुत ऊंचाई पर है। ओ शाबाश शाबाश, ओ वाह आसमान में पहुंच गई हो तुम। आसमान में चल गई ये, चलो आ जाओ पहले आप चढ़ो। इधर देखो, इधर इधर ऐसी ऐसी शाबाश शाबाश शाबाश, आना मेरे सर। आजा आजा मैडम, आप लोग को ना ना सुन लो। अरे नो भाई, बाबा सुन लो भाई, आ जाओ होगा आपको। गाइस फाइनली फाइनली आ गए जंग जीत के। शाबाश लगाओ ना, इधर देखो इधर देखो इधर देखो, ऐसी वैसी लटक के इधर देखो, पहले लगाओ जाके ला ला। हां प्राउड ऑफ यू, आजा बॉस जबरदस्त होने वाला है। हमको लगा मुंटी ही खाली जी रही, अब तो पापा जी कह रहे कि अब हम भी जाएंगे। ओ माय गॉड, ये टोपी निकाल दीजिए तब, इसी पर चले जाइएगा आप, इसी के ऊपर से। वाह फोन तो लेके जाएगा ऊपर, सेल्फी ले लीजिएगा। मिशन के लिए पापा जी वगैरह रेडी यहाँ पे एकदम मस्त। अरे ये पापा जी के चढ़ने की, भाई साहब मुझे उम्मीद नहीं था, मेरे फादर इन लॉ इतने एनर्जेटिक है अभी भी। भाई साहब देख सकते हो, दैट इज कॉल्ड द फिटनेस। ये सब सॉक्ड है एकदम भाई देखने के लिए। भाई आज तो चढ़ ही जाएंगे। तो गाइस फाइनली ऊपर पहुंच चुके हैं। तो गाइस फाइनली अब बारी रिटर्न बैक की, तो पापा जी फिर अब नीचे आ रहे हैं। माता जी को टेंशन हो रही है, इधर तितली इधर नाना को ढूंढ रही है। नाना कहाँ गए? नाना वो रहे, आ रहे आ रहे नाना, देखो। वाओ इधर देखिए, इधर वहीं रुक जाइए, वहीं रुक जाइए, इधर देखिए, इधर देखिए, इधर इधर। शाबाश वाह, क्लैपिंग क्लैपिंग मुंटे, क्लैपिंग भाई, शाबाश शाबाश, ग्रेट एनर्जी।
एनर्जी अच्छा है। वाह सभी प्राउड फील कर रहे हैं। बताइए ये तितली भी करिए नाना आ गए नाना तितली के ये तो पापा जी का एकदम ग्रेट एफर्ट एनर्जी हाल देखने के लिए मिला। तितलू दे दिए पैसा चलो चला गया। अब